Hey guys, तो आज के एपिसोड में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं गोकू की जानी इन ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो। तो गाइस, ड्रैगन बॉल स्पार्किंग जीरो एक बहुत ही कमाल का ड्रैगन बॉल का गेम है जिसमें हम लोग ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर की जानी कंप्लीट करते हैं। और भाई, जिन लोगों को ड्रैगन बॉल के बारे में नहीं पता, तो ये एक बहुत ही कमाल का एनिमे है जिसको लिखा है अकीरा टोरियामा सन है। और भाई, इस एनिमे में हम लोग देखते हैं गोकू की जानी जो की बहुत ही कमाल है। तो इस गेम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ड्रैगन बॉल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये गेम ड्रैगन बॉल एनिमे पे ही बेस्ड है। तो ड्रैगन बॉल एनिमे का अपना मेन प्रोटैगनिस्ट है गोकू, जो कि बार्डोक और जीन का बेटा है। और ये लोग हैं सेयन, और सेयन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन गोकू जब छोटा था तभी इनका प्लेनेट तबाह होने वाला था, इसीलिए बार्डोक और जीन क्या कहते हैं, गोकू को एक दूसरे प्लेनेट पे भेज देते हैं जो कि होता है अर्थ। और प्लेनेट अर्थ पे गोकू को मिलते हैं ग्रैंडपा गोहान, जो कि गोकू को बड़ा कहते हैं। और इसके बाद गोकू की जर्नी स्टार्ट होती है, और इस जर्नी में गोकू को बहुत सारे लोग मिलते हैं, और इस जर्नी में गोकू को बहुत सारे दोस्त भी मिलते हैं, जैसे बुलमा, यामचा, क्रेलेन और मास्टर रोशी। और मास्टर रोशी गोकू को मार्शल आर्ट सिखाते हैं। मास्टर रोशी के साथ ट्रेनिंग करते करते गोकू बड़ा हो जाता है, और इसके बाद पार्टिसिपेट करता है वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में, और उसको जीत भी जाता है। और इसके बाद गोकू की शादी होती है चीची से, और उनका एक बेटा होता है जो कि होता है गोहान। तो अभी गोकू के प्लेनेट अर्थ पे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके साथ गोकू रहता है और ट्रेन करता है। और इनमें एक और कैरेक्टर है जो कि पिकोलो है। ये गोकू का दोस्त नहीं है लेकिन दुश्मन भी नहीं है, मतलब दुश्मन पहले था अभी नहीं है। तो गाइज, ये थी अभी तक की ड्रैगन बॉल की स्टोरी। अभी हम लोग आगे कवर करने वाले हैं इस स्टोरी को इस वीडियो में। तो गाइज, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं इस मदर एपिसोड को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए चैनल पर मिस करना तो सब्सक्राइब करें, ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए फटाक से जाके सब्सक्राइब कर दो। अपना गोल है 40,000 सब्सक्राइबर का, तो फटाक से जाके कंप्लीट करा देना। एंड अपना लाइक गेम है 1,000 लाइक्स का, तो गाइस फटाक से लाइक कर दो यार। इस मजेदार गेम के लिए 1,000 लाइक्स तो बनते हैं। तो गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं इस मजेदार एपिसोड को, लेट्स गो। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं गोकू की जर्नी, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये हुई था पाथ, लेट्स गो। तो इस गेम की स्टार्टिंग होती है रेडिश के साथ। रेडिश गोकू का बड़ा भाई है, जो कि गोकू को बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, और फाइनली गोकू रेडिश को मिल जाता है। लेकिन रेडिश ये देख के सरप्राइज हो जाता है कि गोकू इंसानों के साथ दोस्ती कर रहा है, क्योंकि गोकू को भेजा था इंसानों को खत्म करने के लिए, लेकिन या तो गोकू ने इंसानों के साथ दोस्ती कर ली है। और इसके बाद रेडिश वो काम करना स्टार्ट कर देता है जो कि गोकू को करना चाहिए, वो है इंसानों को खत्म करने का। लेकिन गोकू मना कर देता है क्योंकि अब ये इंसान गोकू के दोस्त है। तो अब बैटल होने वाला है गोकू वर्सेस रेडिश का। ओके गाइस, तो फाइनली फाइट स्टार्ट हो गया है हमारा गोकू के भाई के साथ, जो कि है रेडिश। और रेडिश को लग रहा था कि मतलब गोकू ना जो इंसान है उनको खत्म कर चुका होगा, और मतलब इंसानों पे डोमिनेट कर रहा होगा। बट गोकू ने तो इंसानों को अपना दोस्त बना लिया। ये देख के रेडिश बेचारा बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। रेडिश ने बोला, मेरा छोटा भाई ये क्या कर रहा है, मतलब इंसानों के साथ खेल रहा है, जबकि उसे इंसानों को हराना चाहिए। भाई ये क्या अटैक किया है यार, रेडिश भाई देख के छोटा भाई है यार, ऐसा अटैक करोगे कैसे चलेगा। ओके गाइस, तो फाइनली हम दोनों अटैक किया है। ओ नहीं यार, क्या बचा है भाई यार, बड़े भाई को हराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग हरा देंगे गाइस। पानी से बाहर निकलना चाहिए, रुक जाओ बड़े भाई, मैं आ रहा हूँ, रुको गाइस। हमारे पास कामयामया और मीटो मैस दो अटैक है। मीटो मैस जो कि हम लोगों ने अभी किया था, जो कि हुआ नहीं था, अब मैं करने वाला हूँ सुपर कामयामया। ओके गाइस, आई एम रेडी। ओके लेट्स गो सुपर कामयामया, देखते हैं क्या होता है इससे। भाई रेडिश का कुछ होता है, ये लगा गाइस, लगा भाई, बहुत ही कमाल है यार। अभी छोड़ना नहीं है, अगर हम लोग थोड़ा सा भी टाइम दे देंगे रेडिश को, तो रेडिश बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, भूलनागा नहीं, वो बड़ा भाई है, बड़े भाई कितने पावरफुल होते हैं हम लोगों को पता है, छोड़ना नहीं है रेडिश भाई। इधर तो देखो भाई, इस गेम के ग्राफिक्स है भाई, क्या मजा आ रहा भाई खेलने में। ये हो ना बात, अभी तो भाई जब अपना गोकू ना सुपर सैयन बनेगा भाई, अभी तो फ्रीजा बहुत लोग आने के लिए हैं। और भाई जिन लोगों को नहीं पता, थोड़ा सा मैं स्टोरी आप लोगों को बता देता हूँ। तो हरा दिया हमने रेडिश को इतनी जल्दी, भाई कमाल है, ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल है यार, मैंने नहीं सोचा था इतनी जल्दी हम लोग अपनी पहली वाइट जीत जाएंगे। और इसके बाद रेडिश गोकू को इस बैटल में बहुत बेहतर तरीके से हरा देता है, और वो गोहान को किडनैप कर लेता है, और गोकू से बोलता है कि उसे कम से कम 100 लोगों को मारना होगा, अदरवाइज वो गोहान को मार देगा। और इसके बाद एंट्री होती है पिकोलो की। जैसा कि मैंने बताया, गोकू पिकोलो का दोस्त नहीं है, लेकिन अभी पिकोलो को गोकू की जरूरत है, क्योंकि उसे रेडिश को हराना है, क्योंकि रेडिश पूरा अर्थ प्लेनेट तबाह कर देगा, और इसी प्लेनेट पर पिकोलो भी रहता है, और गोकू को भी पिकोलो जरूरत है क्योंकि उसे गोहान को बचाना है। इसीलिए ये दोनों टीम अप कर लेते हैं और जाते हैं रेडिश को हराने के लिए। और इसके बाद गोकू और पिकोलो जाते हैं रेडिश के पास और कहते हैं उससे एक खतरनाक बैटल।
ओके तो हम लोगों को फिर से रेडिस के साथ बैटल करना है और गुहान को हमें बचाना है। इस बार नहीं छोड़ने वाला मैं भाई, पता नहीं यार, मतलब अगर हम लोगों ने रेडिस को नहीं हराया तो गुहान को ये छोड़ने वाला नहीं है। और ये बार बार हमारे मीटियो मैच से बच कैसे रहा है, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। इसका मैं थोड़ा पास जाके अटैक करूंगा, ठीक है, थोड़ा पास जाते हैं, थोड़ा सा रुको। ओ नहीं भाई, सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है भाई यार। ठीक है, मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा था, सॉरी बड़े भैया, सॉरी। नहीं यार यार, नहीं नहीं भाई, ही इज रियली पावरफुल डूड, रियली पावरफुल। आ जाओ, इसके पास जाके अटैक करूंगा मैं, ऐसे नहीं कर रहा। नहीं, ओ बच के भाई, लास्ट टाइम पे आड़ चाहिए, अगर नहीं बचते तो फिर जाता। ओके इस बार पढ़ना चाहिए। ओ ये नहीं, हाँ नहीं पढ़ा भाई, ये गलत बात है। नहीं भाई यार, रुक जाओ, कामयाबी नहीं कर सकते यार, कामयाबी अगर करेंगे तो ये बच जाएगा यार। रेडिस इज वेरी स्मार्ट यार, ये हर बार हमारे मीडियो में से कैसे बच रहा है। यार हम लोग खड़े भी नहीं हो पाए थे। रुको भाई, ग्राफिक्स हैं गेम के, मतलब यार मजा आता है इतना अच्छे ग्राफिक्स के साथ। अभी मैं करने वाला हूँ सुपर कामयाबी, एक बार पास जाने दो मेरे को, उसके बाद मैं बताता हूँ। नहीं, अरे यार चलो थोड़ा सा बच गए हम लोग, रुक जाओ थोड़ा सा, एक इनकी हेल्थ थोड़ी सी कम कर दूँ मैं, अब मैं करूँगा। यस नहीं, शिट, मीटो मैच किया मैंने, देखते हैं यार ये हर बार मीटो मैच से कैसे बच रहा है, मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही गाइस, मेरे को सच्ची समझ नहीं आ रहा। इस बार मेरे को सुपर कामयाबी करना है, ठीक है, टाइम है सुपर कामयाबी का, अभी देखते हैं क्या होता है। ओ प्लीज, इस बार हेल्थ ज़्यादा जानी चाहिए भाई, बहुत हेल्थ चली गई है अभी। अब एक मिनट क्या हुआ, और बस इतना हेल्थ कम करना था हमको, ये तो बहुत इजी टास्क था। और इस बैटल में रेडिस गोकू और पिकलो को हरा देता है और इनको मारने वाला होता है, तभी आता है गोहान और देता है एक खतरनाक हेडबट रेडिस को, और इस मौके का फायदा उठा के गोकू पकड़ लेता है रेडिस को। और इसके बाद पिकलो अपना एक स्पेशल अटैक करता है जो की होता है स्पेशल बीम कैनन, और वो इस अटैक की मदद से दोनों लोगों को मार देता है, गोकू और रेडिस को। और मारते रेडिस पिकलो को बताता है की एक साल के अंदर दो सीजन और आने वाले हैं जो कि पूरा प्लेनेट अर्थ तबाह कर देंगे, और वो है नापा और वेजिटा। और एक साल के बाद नापा और वेजिटा आ जाते हैं प्लेनेट अर्थ पे और वो हर जगह तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान गोकू के दोस्त क्या कहते हैं, वो ड्रैगन बॉल को जमा करते हैं और विश मांगते हैं कि गोकू जिंदा हो जाए, और फाइनली गोकू जिंदा भी हो जाता है। लेकिन अभी तक वेजिटा और नापा ने गोकू के दोस्तों की बैंड बजा रखी थी और उन्होंने उनके एक दोस्त यामचा को मार भी दिया था, और फाइनली गोकू पहुंच जाता है अपने दोस्तों को बचाने के लिए। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग आ गए अपने दोस्तों को बचाने के लिए, क्योंकि वेजिटा और नापा ने सभी को हरा दिया था और फाइनली गोकू को रिवाइव कर लिया है। अभी हम लोग तैयार हैं इन लोगों को हराने के लिए, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। वैसे नापा भी पावरफुल है और वेजिटा भी, ठीक है, और नापा की तो बैंड बजने वाली है, देखने में बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगता है, लेकिन इसकी बहुत बुरी बैंड बजाएंगे हम लोग, क्योंकि इसने हमारे सारे दोस्तों को हरा दिया है। लेकिन हम लोग बदला लेंगे, इन दोनों को हराएंगे, वेजिटा और नापा को। ओके गाइस, तो फाइनली बैटल स्टार्ट हो गया है और नापा भाई ने अटैक भी कर दिया, पता नहीं ये कौन सा अटैक था, लेकिन भाई ग्राफिक्स हैं भाई गेम के, आने दो, मैं डायरेक्ट मीटियो मैच करूंगा, अभी देखते हैं भाई, बड़ा भाई मीटियो मैच, ये हुई ना बात भाई, गोकू सच्चे में बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है, ये हुई ना बात भाई। नापा की वैसे हेल्थ ज्यादा नहीं है यार, अपने जितनी हेल्थ है तो हम लोग इजीली हरा देंगे भाई, एक दो काम में हमें आ देंगे तो बैंड बजा देंगे। अच्छा आ जाओ नापा भाई, सही है, ये पास आ रहे हैं हमारे, आ जाओ भैया, वेरी गुड, चलो भाई एक और मीटियो मैच, एंड ये हुई ना बात भाई, एक दो मीटियो मैच देने के बाद एक कामयाबी और एक सुपर कामयाबी, खत्म करते हैं नापा को, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि इसके बाद हमें वेजिटा को भी हराना है, एंड वेजिटा को हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहेगा, तो चलो आ जाओ, वेरी गुड। ओ नहीं यार, नहीं फास्ट तो है यार नापा, लगता है नापा फास्ट नहीं है, बट ऐसा नहीं है भाई, नापा इज रियली फास्ट। रुक जाओ अंकल, ये हुई ना बात यार, नहीं यार मैंने मीटो मैच कर दिया गलती से, कोई ना गाइस, नेक्स्ट हम लोग कामयाबी करेंगे और नापा को ख़त्म करते हैं, और इसके बाद हम लोग वेजिटा को भी ख़त्म करते हैं। वैसे नापा की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ये ओके हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, इन लोगों ने यार हमारे दोस्तों की बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा दी थी, क्रेलिन पिकलो सभी की भाई, और यामचा को तो इन लोगों ने मार ही दिया, फाइनली हम लोग तैयार हैं, ये हुई ना बात, एंड भाई इस बार चले जाना नापा भाई, ठीक है भाई, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्थ कम कर दी है, थोड़ी सी हेल्थ बची है तो मैं ऐसे ही खत्म कर दे रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ यार कामयाबी यहाँ से मारेंगे, मज़ा आएगा। वैसे ये वाला जो स्प्रेड बॉम्ब था वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था, हाँ इस बार हम लोगों ने स्प्रेड बॉम्ब किया था, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं था,
तो हाँ ये बात आप लोग ध्यान रखना, मीटो मैच मारते हैं, इसको खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को वेजिटा से भी बैटल करना है। स्प्रेड बॉम्ब के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं डिटेल में बताऊंगा, स्प्रेड बॉम्ब बहुत ही खतरनाक अटैक है। और फाइनली हम लोगों ने नापा को हरा दिया है, नापा को हराना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, और टाइम है अभी वेजिटा से फाइट करने का। याद है मेरे को नापा को लग रहा था कि विजिटा हेल्प करेगा नापा की, बट भाई विजिटा भाई अलग ही है। विजिटा ने बोला भाई तुमने अगर गोकू को नहीं हराया इससे क्या फ़ायदा, मतलब इसका मतलब तुम बहुत ज़्यादा बेकार वॉरियर हो। और विजिटा नापा को मार देता है, नापा को मारने के बाद गोकू और विजिटा एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इंसान नहीं होते, क्योंकि गोकू ने बोला था एक दूसरी जगह फाइट कर लेते हैं, विजिटा को गोकू को मारना था तो उसने बोला ठीक है कर लेते हैं। और फाइनली इन दोनों का एक खतरनाक बैटल स्टार्ट होता है। तो गाइस फाइनली बैटल स्टार्ट हो गया है हमारा विजिटा के साथ। वैसे विजिटा हमारा बहुत मजाक बना रहा था कि हम लो क्लास के वॉरियर हैं, दिखाना है विजिटा को भाई विजिटा को ज़्यादा नहीं उछल रहे अंकल, अभी बताते हैं हम। वैसे विजिटा की ज़्यादा पावरफुल मतलब ज़्यादा पावर नहीं है, हमारा जितना सेम मैं तो हम लोग इजीली हरा देंगे। एंड फाइनली भाई स्टार्टिंग है, क्या कमाल किया हम लोगों ने, इसको हराना काफी ज्यादा आसान है। वैसे इस बार हम लोगों को कायोकेन अटैक मिल गया है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है मीटो मैच से। कायोकेन अटैक एक टेक्निक है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और हमारे पास है कामेमिया, तो ओ नहीं 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 एक मिनट हार बचो ठीक है। अगर स्प्रेड बॉम्ब पड़ गया भाई बहुत ज्यादा कमाल हो जाएगा भाई, देखते हैं स्प्रेड बॉम्ब पड़। यस भाई कमाल है भाई, स्टार्टिंग में हम लोगों ने डोमिनेट कर दिया भाई। वेजिटा सोच रहा होगा भाई स्टार्टिंग में स्प्रेड बॉम्ब कौन करता है, अब वेजिटा की थोड़ी सी हेल्थ है तो फिर हम लोग आसानी से खत्म कर देंगे। और हाँ भाई मेरे को एक और चीज़ बतानी थी, अभी ना मेरा थोड़ा सा हेल्थ खराब था इसीलिए वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन भाई वेजिटा की तो बैंड बजाने वाले हैं हम लोग। वेजिटा को हम लोग कितनी आसानी से हरा रहे हैं, मुझे तो लगा था बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा वेजिटा को हराना, बट यार अपने लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और हाँ मैं कह रहा था भाई अभी हेल्थ थोड़ी सी डाउन है, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएंगे। ये है गार्लिक गन जो कि बहुत ही पावरफुल अटैक है, अब रेगुलर वीडियो आएंगे और मैं ट्राई करूंगा रेगुलर वीडियो हम लोग लिखे हैं स्पार्किंग जीरो को, और हम लोग गोकू की जो स्टोरी है उसको कंप्लीट करें, उसके बाद वेजिटा वगैरह की स्टोरी हम लोग लाइव स्ट्रीम में करेंगे अगर आप लोग कहोगे। और फाइनली ये है स्प्रेड बॉम्ब, और आई थिंक इससे हम लोग खत्म कर देंगे वेजिटा को। क्या हम लोग का यस भाई, भाई कितना ज़्यादा आसान था वेजिटा को हराना भाई, मज़ा आ गया। मुझे लगा बहुत ज़्यादा टफ होगा लेकिन नहीं भाई, स्प्रेड बॉम्ब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक है और हम लोगों ने हरा दिया है वेजिटा को भी। और गोकू से बैटल हारने के बाद वेजिटा यूज़ करता है उसका एक स्पेशल टेक्निक, तो फाइनली वेजिटा अपने एक स्पेशल टेक्निक यूज़ करने वाला है जो कि है जायंट एप। जितने भी सेंस होते हैं वो जायंट एप में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं अपने आप को, और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फॉर्म होती है। एंड अब वेजिटा बनने वाला है जायंट एप, तो भाई समझ सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और उसको हम लोगों को हराना है जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। अभी आने वाला है बहुत ज़्यादा मज़ा। हाँ बच्चों तुम लोग यहाँ से निकलो। ओके गाइस, तो फाइनली वेजिटा बन गया है जायंट एप एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू फाइट वेजिटा। भाई दिखने में क्या ही खतरनाक लग रहा है। ओके गाइस, तो हम लोग फाइट कर रहे हैं जायंट एप से। ओ नहीं 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 भाई कितना ज़्यादा बड़ा है भाई, और पता है सबसे ज़्यादा कमाल जो चीज़ मेरे को लगती है इस गेम में डिस्ट्रिक्शन, भाई कितना रियलिस्टिक लग रहा है, ऐसा लग रहा है सच्ची में पहाड़ है भाई, क्वालिटी बहुत ज़्यादा कमाल है इस गेम की। नहीं यार वेजिटा भाई रुक जाओ यार, बच्चों को थोड़ी सांस तो लेने दो भाई, इसको हराना बहुत ज़्यादा टफ होगा क्योंकि इस पर हम लोग कायोकेन जैसे अटैक नहीं कर पाएंगे भाई, इतना बड़ा है इसको कैसे पकड़ेंगे समझ रहे हो, इस पर हम लोगों को कामयामिया जैसे अटैक ही करने होंगे। रुक जाओ अंकल रुक जाओ, जाने दो मेरे को जाने दो, थोड़ा पीछे भाई इससे दूर है, तो इतना बड़ा यार इससे दूर जाएंगे कैसे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। दो मिनट में आया था ये बंदा, भाई रुक जाओ भाई रुक जाओ भाई मेरे को जाने दो। अरे नहीं 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 वेजिटा नहीं, रुको रुको मैं मारने की कोशिश करूंगा। अरे नहीं भाई भाई पूरी हेल्थ कम कर दी भाई, मैं हारना नहीं चाहता यार वेजिटा से। वेजिटा नहीं वेजिटू नहीं भाई, प्लीज प्लीज वेजिटा प्लीज अंकल नहीं नहीं भाई, बहुत ज़्यादा हेल्थ कम कर दी इसने। एक तो ये हमें थोड़ा सा भी पावर जमा नहीं करने दे रहा जिससे हम थोड़ा सा अटैक वगैरह कर लें। नहीं यार इतनी जल्दी कौन अटैक कर रहा, रुको 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 मेरे को पावर करने दो थोड़ा सा, मैं भी करता हूँ कामयाब ठीक है, देखते हैं गाइस। नहीं यार बगल में पावर गलत बात है यार, मैं बचाऊंगा, अगर मैं नहीं बचाना मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं गार्लिक गन कर रहा हूँ भाई, जायंट एप का गार्लिक गन जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है ना। नहीं नहीं भाई एक प्लीज प्लीज नहीं यार
बजीटा ने हरा दिया भाई, गलत बात है यार। ओ हम लोगों को हारना ही था स्टोरी के हिसाब से, मैं तो भूल ही गया भाई, मैं जान के हार रहा हूँ ठीक है। अच्छा रीट्राई करना पड़ेगा। हाँ जान के हार, जान के नहीं हारा था मैं क्या। ओके गाइस इस बार मैं तैयार हूँ भाई, इस बार अपन लोग तैयार हैं, हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट कामयाबी वो करेंगे ठीक है, क्योंकि ये हमें टाइम तो देता नहीं है। रुको रुको भाई, ये टाइम वगैरह भाई हम लोग दिख नहीं रहे, देख रहे हो इस गेम का सेंस देखो भाई, इतना बड़ा ला के दे दिया जाइंट टेप, इसको हराना है हमें। मैं तो डायरेक्ट करूँगा, अपने पास है क्या स्प्रेड बॉम्ब? नहीं है यार, कामयाबी ही करनी पड़े। देखते हैं गाइस, देखते हैं। नहीं है, मैंने कहा था यार क्योकेन अटैक काम ही नहीं करेगा इस पर, मुझे लग ही रहा था भाई, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि क्योकेन काम ही नहीं करेगा। एक और ट्राई करके दिखाता हूँ। नहीं भाई नहीं कर रहा भाई, क्योंकि अटैक काम नहीं कर रहा। अब हम लोग सिर्फ कामयाबियाँ कर सकते हैं। यार अंकल यार, ये इतनी जल्दी अटैक कैसे कर रहा है, मेरे को ये समझ नहीं आ रही। हमारे पास पावर है नहीं, ये बंदा 2 मिनट पर पावर लेके आ जाता है। मैं तो कामयाबियाँ ही करूँगा, आने दो इसको, पास आने दो तब कामयाबियाँ करूँगा। रुक जाओ रुक जाओ, थोड़ा पास आने दो ठीक है, हम लोग नहीं आएंगे, इसको आने दो। अरे यार कुछ भी करते हैं, उससे पहला तो अटैक ही आया था, 2 मिनट में तो अटैक कर दे। हार गए हम लोग, कम ऑन, लोअर डिफिकल्टी, पगला गए हो क्या? ओके गाइस इस बार थोड़ा सा सीरियस। हाँ हाँ रुको रुको रुको, इस बार नहीं गए। एक मिनट, थोड़ा हैंड टू हैंड कॉम्बैट करके देखते हैं भाई। नहीं पकड़ लिया अगले ने, मतलब यार इतना बड़ा जायंट एप है, कैसे हराएंगे इसको 2 मिनट में, तो ये इंसान पकड़ लेता है। रुको रुको गाइस, मैं तो थोड़ा सा हैंड टू हैंड कॉम्बैट। ओ भाई इतने बड़े को मारने में मजा तो आता है भाई, रुक जाओ यार। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा मार के देखते हैं भाई। भाई इसके पैरों पे मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा भाई। ठीक है रुको रुको, वैसे यार ये भाई इसके मुक्के कितने तेज पड़ रहा है यार, मुझे नहीं पता था इतने तेज पड़ेंगे इसके मुक्के, लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है वेजिटा। वेजिटा मैंने सोचा था हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हम बहुत तगड़ा मारेंगे, बट ऐसा नहीं है भाई, हम लोग पिट ही रहे हैं, मार तो कुछ ना रहे हैं। अरे मत करो वेपराइज यार, गलत बात है यार, थोड़ा सा दूर रहते हैं गाइस। मेरे को कामयाबी करना है, कामयाबी से हम लोग हरा सकते हैं। आने दो अंकल को। ये हुई ना बात भाई, क्या कामयाबी पड़ा है, और ये लोकेशन अच्छा है, मुझे नहीं लगता। ओ ठीक है, मैं सोच रहा था वेजिटा यहाँ पर नहीं आ पाएगा, बट नहीं यार वेजिटा आ सकता है। वेजिटा इज़ वेरी जाइंट, जाइंट अंकल, जाइंट अंकल, जाओ 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 भाई, क्या मारता है अगला इंसान। लेकिन हम लोग चकमा दे के आ गए हैं यहाँ पे, कामयाबी करूँगा मैं ठीक है। पहले मैंने कहा मैं हमें आ गया, मेरा पढ़ना चाहिए। ओ क्या क्या भाई, अच्छा वाई दबाना है मेरे को, ठीक है वाई। ओके भाई कौन जीता मेरे को नहीं पता। भाई हरा दिया हम लोगों ने साथ में किया था ना, उसने गालिकन किया था और हम लोगों ने किया था अपना कामयाबी, और हम लोगों ने हरा दिया था भाई। अब तो भाई इस बार तो हम लोग बैंड बजा देंगे। वेजिटा अंकल निकलो ठीक है, रुको रुको गाइस थोड़ी देर खड़े होने दो। कामयाबी नहीं यार, ये अगला इंसान 2 मिनट में तो आ जाता है भाई। नहीं नहीं नहीं, हेल्थ बहुत ज़्यादा कम है, प्लीज़ 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 कामयाबिया, प्लीज़ कामयाबिया, कुछ तो हो जाए भाई। ये देखो चिपक जाता है, चिपक नहीं करेंगे अंकल, थोड़ा दूर जाओ हमसे। ये ना बहुत गाइस, थोड़ी सी पावर है, दोनों की सेम हेल्थ, मैं तो कामयाबी कर दूंगा भाई, आ जाओ अंकल। भाई थोड़ा सा एक खतरनाक काम, नहीं नहीं वेजिटा नहीं, अंकल थोड़ा सा दूर रहो भाई, उसने कह दिया दूर दूर, नहीं 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 बच के भाई, बच के, थोड़ी सी हेल्थ रखी है। ठीक है ठीक है, ये फाइनली हरा दिया भाई हम लोगों ने वेजिटा को। ये हुई ना बात, वेजिटा बहुत ज्यादा उछल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने फाइनली हरा दिया है। और इस बैटल के एंड में गोकू वेजिटा को पूरी तरह खत्म करने के लिए यूज करता है स्प्रेड बॉम्ब, जिस पे उसको फोकस करना होता है, जिसका फायदा उठा के वेजिटा उसको पकड़ लेता है और उसको मारने वाला होता है। तभी याजीरो भी जायंट एप वेजिटा की पूछ काट देता है, जिससे वेजिटा नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद गोकू अपना स्प्रेड बॉम्ब देता है क्रेलिन को, और इसके बाद क्रेलिन स्प्रेड बॉम्ब फेंकता है वेजिटा की तरफ, लेकिन वेजिटा इस स्प्रेड बॉम्ब से बच जाता है, और ये स्प्रेड बॉम्ब जाता है गोहान की तरफ। लेकिन गोकू कहता है, गोहान डाना नहीं, तुम्हें इस स्प्रेड बॉम्ब से कुछ नहीं होगा, तुम इस स्प्रेड बॉम्ब को वेजिटा की तरफ फेंक दो। और गोहान ऐसा ही कहता है, और वेजिटा को स्प्रेड बॉम्ब जाके लगता है, लेकिन गोहान स्प्रेड बॉम्ब को देख के बन जाता है जायंट एप। और अब वेजिटा को समझ में आ गया था कि वो अब ये बैटल नहीं जीत सकता, तो इसीलिए वो यहाँ से भागने लगता है। तभी क्रेलिन उसके पीछे अटैक करने वाला होता है, लेकिन गोकू उससे मना कर देता है, और इसके बाद वेजिटा प्लेनेट अर्थ से चला जाता है।
तो गाइज यहाँ से स्टार्ट होने वाली है अपनी प्लेनेट नेमेक आर्क, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और इसके बाद स्टार्ट होती है नेमेक आर्क, जिसमें हमें नए कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, जो कि है फ्रीजा। और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा इविल है। फ्रीजा ढूंढ रहा है ड्रैगन बॉल, जिससे वो सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा पूरे यूनिवर्स में। तो फ्रीजा को रोकने के लिए हमारे हीरो पहुंच जाते हैं प्लेनेट नेमेक पर, और वो यहाँ जाते हैं बुलमा की स्पेस शिप से। बुलमा बहुत बड़ी साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता बुलमा के डैड बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और बुलमा भी एक बहुत अच्छी साइंटिस्ट है। तो बुलमा की स्पेस शिप की मदद से हमारे हीरो पहुंच जाते हैं प्लेनेट नेमेक पर। और प्लेनेट नेमेक पहुंचने के बाद हमारे हीरोज को पता चलता है कि वेजिटा भी हमारी साइड है, क्योंकि वेजिटा भी फ्रीजा को रोकना चाहता है, क्योंकि फ्रीजा प्योर इविल है। अगर वो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद हमारी फाइट स्टार्ट हो जाती है फ्रीजा की आर्मी के साथ, जिसमें से एक बंदे को गोकू एक मुक्के में ही हरा देता है। और इसके बाद हमें फाइट करनी होती है गिनियू फोर्स से। जितना इनका नाम अजीब है उससे ज्यादा अजीब लोग हैं ये। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा बैटल हो रहा है गिनियू फोर्स से, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स है। लेकिन इनको हम लोग बताने वाले हैं, हम अपना कायोकेन वगैरह करेंगे। और ये पता है फ्रीजा की टीम है, मतलब फ्रीजा की एक आर्मी है जिसका नाम है गिनियू फोर्स। ये काफी पावरफुल आर्मी है। वैसे ये लोग आए हैं नेमेक में ड्रैगन बॉल ढूंढने, और हम लोग भी आए हैं ड्रैगन बॉल ढूंढने। पहले इन लोगों की बैंड, अरे यार ये भाई ये तेज है यार, स्पीड अच्छी है इस बंदे की। तो इसको अभी मैं बताता हूँ, गिनियू फोर्स के जितने भी मेंबर हैं उन सबको हमें हराना होगा। इनको हराना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम लोग हरा देंगे। और इन लोगों ने विजिटा को भी हरा दिया है। वैसे विजिटा ने अभी हमारे साथ टीम अप कर लिया है, क्योंकि विजिटा को भी फ्रीजा नहीं पसंद। एंड हम लोगों ने अभी स्प्रेड बॉम्ब किया है, देखते हैं ये स्प्रेड बॉम्ब कितना पावरफुल है। क्या इस स्प्रेड बॉम्ब से हम लोग इसको हरा पाएंगे या नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा है भाई। देखो दो तीन हेल्थ तो जानी चाहिए भाई, दो हेल्थ चलेगी जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दो हेल्थ बाद चलेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल है। अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा कामयाबिया करते हैं, क्यों किन कामयाबिया है अपने पास। ओके गाइस, तो फाइनली भाई कोकू, और एक मिनट बचना पड़ेगा, बच के। कोकू अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक और बार भाई काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है भाई ये हमारे हमारे सामने। मुझे लगा था इनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रुको मैं भी कहता हूँ भाई, ये हुई ना बात कियोकिन की है हम लोगों ने, अभी फाइनली कियोकिन हो गया। वैसे होता नहीं है ये अटैक भाई, बहुत ही आसानी से लोग डॉज कर लेते हैं, बट इस बार नहीं भाई। कितनी बुरी तरीके से हम लोग बैंड बजा रहे हैं। एंड मुझे लगता है एक कियोकिन कामयाबिया से हम लोग इसको हरा देंगे। लेट्स गो, या फिर मैं सोच रहा हूँ यार स्प्रेड बॉम्ब करें। नहीं यार स्प्रेड बॉम्ब इस बच्चे पे क्या ही करेंगे। ओ एक मिनट रुको, ओ ना 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 अंकल रुक जाओ। एंड भाई कितनी आसानी से हम लोगों ने इनको हरा दिया। अभी और भी मेंबर्स हैं जिनको हमें हराना होगा, इससे फ्रीजा की टीम ज़्यादा पावरफुल नहीं है यार। और इस बैटल के बाद हमारी मुलाकात फाइनली होती है कैप्टन गिनियू से, जो कि दिखने में थोड़ा अजीब है लेकिन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है। और उसके बाद ये बैटल फाइनली स्टार्ट होता है। ओके गाइस, तो फाइनली हमारा बैटल स्टार्ट हो गया है कैप्टन गिनियू से, जो कि कैप्टन मतलब गिनियू फोर्स के कैप्टन है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई। इससे मतलब इससे पहले जो हमारा बैटल हुआ था वो तो कुछ भी नहीं है कैप्टन गिनियू के सामने। और अपने पास दो अटैक हैं, जो कि है कियोकिन कामयाबिया, जो कि बहुत पावरफुल कामयाबिया है, और एक अपने पास कियोकिन रस है। और मैं पानी के अंदर लड़ने वाला नहीं हूँ, ये कैप्टन गिनियू चले गए पानी के अंदर, हम नहीं आने वाले भाई, पानी के बाहर ही रहना है हम लोग को। आ जाओ अंकल आ जाओ। और पता है विजिटा हमारे साथ है, क्योंकि भाई फ्रीजा गया अभी ड्रैगन बॉल लेने आया है, और अगर फ्रीजा को ड्रैगन बॉल मिल गई तो फ्रीजा कोई भी बेस्ट ले सकता है। एंड हमें पता है फ्रीजा कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितना ज़्यादा ईविल है। पावरफुल तो है, उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा ईविल है। अगर उसने ड्रैगन बॉल ले लिया तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और वो इतना ज़्यादा ईविल है कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। फिर एक बार देखते हैं कियोकिन रस भाई, प्लीज यार कम ऑन कियोकिन रस भाई, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद ये अटैक। ठीक है यार, कैप्टन गिनियू क्या कर रहे हो। चलो गाइस भाई, कैप्टन गिनियू वो पावरफुल तो हैं लेकिन हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। रुको आने दो, मैंने कियोकिन कामयाबिया किया है, बट यार इससे बच के ओ ना, ये कौन सा अटैक है, मैं थोड़ा दूर ही रहूँगा भाई। अटैक इनके भी बेकार हैं यार, मैं सोच रहा था इनके अटैक अच्छे होंगे, बट ऐसा नहीं है भाई, क्या हेल्थ कम की है। एंड फाइनली हम लोगों ने कैप्टन गिनियू को हरा दिया है। मुझे लगा कैप्टन गिनियू बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बैटल के बाद कैप्टन गिनियू को पता चल जाता है कि गोकू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए कैप्टन गिनियू क्या करते हैं, अपने एक स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं, जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी एक्सचेंज कर लेते हैं गोकू के साथ। इसका मतलब गोकू की बॉडी में अभी कैप्टन गिनियू है, और इसका फायदा उठा के कैप्टन गिनियू पहुंच
जाते हैं गोहान और क्रेलिन के पास, लेकिन वेजिटा को ये पता चल जाता है, इसीलिए वो कैप्टन गिन्यू पे अटैक करता है जो कि गोकू की बॉडी के अंदर होते हैं। और इसके बाद कैप्टन गिन्यू फिर से बॉडी एक्सचेंज करते हैं और वो अपनी बॉडी में आ जाते हैं, लेकिन गोकू की बॉडी की बैंड बज गई थी क्योंकि वेजिटा ने अटैक किया था। और इसके बाद कैप्टन गिन्यू वेजिटा के साथ बॉडी एक्सचेंज करने वाले होते हैं और इसका फायदा उठा के गोकू क्या करता है, बीच में एक फ्रॉक को फेंक देता है और कैप्टन गिन्यू की बॉडी एक्सचेंज हो जाती है एक फ्रॉक के साथ। तो इस तरीके से हमारे हीरोज हरा देते हैं गिन्यू फोर्स को। और इसके बाद गोकू अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए चला जाता है और गिन्यू फोर्स के हारने के बाद फाइनली एंट्री होती है एम्परर फ्रीजा की, जो कि अपने सारे हीरोज को हरा देता है, वेजिटा को भी। और फाइनली गोकू की बॉडी हील हो जाती है और इसके बाद गोकू फाइनली आता है बैटल फील्ड में। गोकू के पहुंचने के बाद वेजिटा गोकू से रिक्वेस्ट करता है कि वो फ्रीजा को हरा दे क्योंकि ये सेयन प्राइड की बात है। और इसके बाद गोकू भी तैयार हो जाता है फ्रीजा को हराने के लिए। ओके गाइस, तो फाइनली अपना बैटल स्टार्ट हो गया है। भाई यार कितना ज्यादा मुश्किल है, रुको मैं देख रहा हूँ। भाई हम लोग जीत रहे हैं, वेरी गुड। और भाई फ्रीजा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, फ्रीजा ने पता है वेजिटा की बैंड बजा दी है एंड वेजिटा ने हमसे बोला है कि भाई फ्रीजा को हमको ही मारना है क्योंकि फ्रीजा बहुत ज्यादा मतलब सेयन के साथ फ्रीजा ने बहुत गलत किया है। एंड वेजिटा जो कि सेयन प्रिंस है वो चाहता है कि फ्रीजा एक सेयन के हाथों ही मरे, इसलिए उसने हमसे बोला है कि फ्रीजा को हम लोगों को ही मारना है एंड हम लोग यही करने वाले हैं। यस कायोकेन कामेहामेहा। वैसे फ्रीजा हमसे ज्यादा पावरफुल है बट यार हम लोग हरा देंगे यार। कायोकेन रस देखते हैं होता है या नहीं। भाई ये अटैक होता ही नहीं है, ये अटैक दे क्यों दिया मेरे को नो फ्रीजा ना, फ्रीजा का हो गया भाई, ये गलत बात है। एंड ओह माय गॉड, फ्रीजा कितना ज़्यादा पावरफुल है भाई। एक मिनट रुक जाओ अंकल, अरे हम भी बहुत पावरफुल हैं, रुक जाओ भाई। नहीं फ्रीजा वो बच गया भाई, लास्ट टाइम टेलीपोर्ट किया मैंने वो आना हम लोगों की बैंड बच जाती भाई। इसमें यार टेलीपोर्ट करने का जो सिस्टम है भाई मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। एंड देखते हैं भाई, यार सामने थी फ्रीजा पे ऑडी अटैक हुआ ही नहीं, पता नहीं यार गलत बात है। फ्रीजा कम ऑन एक और बार यार, नहीं भाई नहीं प्लीज, ये अटैक नहीं हो जाए भाई, बहुत पावरफुल अटैक है ये। नहीं ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक है लेकिन हम भी करने वाले हैं कायोकेन कामेहामेहा। भाई फ्रीजा सच्ची में भाई हमारी हेल्थ तो गई, मैंने तो देखा ही नहीं यार, अपनी हेल्थ ऑलमोस्ट चली गई है एंड मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। फ्रीजा रुक जाओ भाई, फ्रीजा की हाँ ये इसके डैमेज कितना ज़्यादा पड़ रहा है यार, कम ऑन फ्रीजा भाई ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसका अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं डायरेक्ट स्प्रेड बॉम्ब करूँगा, आने तो इसे नहीं स्प्रेड बॉम्ब कर नहीं सकते क्योंकि स्टोरी ख़राब हो जाएगी। स्प्रेड बॉम्ब से हम लोगों ने स्टोरी में ख़त्म किया था, अगर हम लोग अभी भी स्प्रेड बॉम्ब करते। नहीं फ्रीजा दीदी रुक जाओ, ठीक है आपको पढ़ना चाहिए इतना पास से, ठीक है पढ़ा है, वेरी गुड। मैं एक ओवर करने वाला हूँ, मैं तो यही अटैक करने वाला हूँ क्योंकि अपनी हेल्थ नहीं है, अगर इस हेल्थ में मैंने हरा दिया मज़ा आ जाएगा भाई। आने दो फ्रीजा को, आने दो, हम नहीं जाएंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, आने दो फ्रीजा को। आ जाओ दीदी आ जाओ, हम लोग यहीं पर हैं। ये इतना ज़्यादा डार्क क्यों होंगे भाई, भाई हाँ हाँ आ जाओ फ्रीजा नहीं ऐसा नहीं ओके मैंने कर दिया एक ओवर काम है हमें यार। नहीं यार गलत बात है यार, का इस फ्रीजा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक ओवर ट्राई करते हैं, इस बार अच्छे से करूँगा मैं पक्का। ओके गाइस इस बार छोड़ने वाला नहीं हूँ फ्रीजा, कुछ भी करके मैं फ्रीजा को बहुत भी तरीके से मारूंगा। ठीक है यार स्टार्टिंग गलत हुई है बस, बट भाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हम भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है फ्रीजा। कायोकेन रस भाई अगर ये पड़ गया ना मज़ा आ जाएगा। ठीक है थोड़ा सा मिस हो गया लेकिन फ्रीजा इतनी भी जल्दी क्या है, कम ऑन। ठीक है भाई उन्होंने फ्रीजा को थोड़ा दूर भेज दिया है। एक और बात करते हैं कायोकेन रस क्योंकि मुझे लगता है ये अटैक बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक ओ यार कोको इतना ज़्यादा स्लो क्यों मेरे भाई, ओ भाई क्या हम लोगों ने बीट किया है, स्पीड अच्छी है यार अपनी। फ्रीजा को लग रहा था हमारी स्पीड अच्छी नहीं है, बट नहीं है यार हमारी बस स्पीड यहीं रह जाती है भाई, स्पीड अच्छी तो है लेकिन यहीं रह जाती है फिर। ठीक है एक और बात करते हैं गाइस, अगर ये ओके ठीक है यो हुई ना बात भाई, बैंड बजा दे फ्रीजा की, अभी याद रहेगा फ्रीजा। रुको आने दो फ्रीजा को थोड़ा पास आ, नहीं यार पानी के अंदर नहीं जाने का, पानी के अंदर बाहर लड़ेंगे हम, पानी के बाहर आओ फ्रीजा पानी के बाहर आओ, मैं तैयार हूँ। ओके ये हुई ना बात, फ्रीजा कम ऑन एक और कामयाब, खत्म कर दो भाई क्या मार रहे हैं हम लोग।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कर सकते हैं कोकू, लेट्स गो। मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ, रुको रुको रुको, यस, मतलब हम लोग अब बहुत ज़्यादा तेज़ मारेंगे, स्पीड भी बढ़ गई होगी अपनी। ओ कम ऑन, एक और कायोकेन रस पड़ जाए भाई, मज़ा आ जाएगा। नहीं यार, ये कायोकेन रस पड़ता क्यों नहीं है, मेरे को तो समझ नहीं आता ये अटैक दिया ही क्यों, अगर नहीं पढ़ना होता तो। एक तो ये अटैक है इसके, मैं कहता हूँ अपनी कामयाबिया प्लीज पढ़ जाना चाहिए यार। ये हुई ना बात, उसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो गई है, उसके पास तीन हेल्थ है, तीन हेल्थ पाल रहे हैं, अपने पास चार हैं, अपन लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं भाई, मज़ा आ रहा है। फ्रीजा को भी लगना चाहिए गोकू से बैटल कर। नहीं 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 यार, फ्रीजा के साथ मजाक नहीं यार, अगर हम लोगों ने थोड़े से भी हल्के में लिया तो फ्रीजा हमें कभी भी ख़त्म कर सकती है, जो कि हमें नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, फ्रीजा फ्रीजा ये हुई ना बात गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई। फ्रीजा को जो पिटाई लगा रहे हैं, और ये देखो नेमिक का पानी ना हरा है भाई, ये नेमिक प्लेनेट है भाई, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये अर्थ है, नहीं भाई ये नेमिक प्लेनेट है, ठीक है, और इसीलिए इसका पानी हरा हुआ है, हरा है। एंड ये देखने में बहुत ही ज़्यादा कमाल लग रहा है, ये हुई ना बात भाई। भाई अगर एक स्प्रेड बॉम्ब हमें ये फाइनल अटैक स्प्रेड बॉम्ब दे देते हैं, मज़ा आता है, लेकिन स्टोरी है, स्टोरी में हम लोग स्प्रेड बॉम्ब से ही मारेंगे फ्रीजा को, तो इसीलिए हम लोग स्प्रेड बॉम्ब यूज़ नहीं कर पा रहे, ये गलत बात है यार, हमें और कोई अटैक दे देते हैं। बट हमारे दो अटैक दिए हैं जो कि थोड़ा सा कम है यार, मतलब एक और अटैक होना चाहिए, ठीक है, ओके फ्रीजा, ये हुई ना बात। फ्रीजा खुद को बोल रहा होगा, फ्रीजा गलती से आ गया, मैं गलती से आ गया भाई, अब नहीं, अब तो भाई फ्रीजा सॉरी सॉरी। एंड एक और ना, ये इतने तेज नहीं पड़ा, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा अटैक है, ये कौन सा अटैक है, नहीं नहीं नहीं, जाने दो जाने दो, वेरी गुड वेरी गुड। एक और कैन रश का रश रश जो भी है भाई पड़ गया भाई, वैसे ही पड़ता नहीं, मतलब ये वाले अटैक थोड़े कम पड़ते हैं, लेकिन भाई आज भाई हम डोमिनेट करके फ्रीजा को हरा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। फ्रीजा सोच रहा होगा क्या गलत इंसान से पंगा ले लिया भाई, रुक जाओ फ्रीजा, ये छोटे मोटे चाहिए, रुको हम भी करके दिखाते हैं, अब बोलो फ्रीजा, पता नहीं यार ये फ्रीजा बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, ये मैं वेट कर रहा था फ्रीजा, आई एम वेटिंग फॉर यू फ्रीजा, रुको रुको रुको, एक और बार, ये हो ना बात गाइस, अब तो मैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट से आ रहा हूँ, वैसे बताता हूँ, वैसे पानी के बाहर आ जाओ फ्रीजा, उसके बाद मैं बताता हूँ, इस बार कामयाबी नहीं करूँगा, इस बार मैं हैंड टू हैंड, ओ एक मिनट, हम लोग स्प्रिट बॉम्ब कर सकते हैं, आ जाओ फ्रीजा, एंड 1 2 3 फाइनली खत्म करते हैं इस बैटल को स्प्रिट बॉम्ब के साथ भाई, ये हुई ना बात भाई, फुल डोमिनेट करके हम लोगों ने फ्रीजा को हराया है। फ्रीजा सोच रहा होगा कितना क्या, ये क्या मजा आ गया भाई। भाई ये गलत बात है, स्प्रेड बॉम्ब इतना बड़ा था, फ्रीजा कैसे समझ क्या, फ्रीजा इज़ वेरी पावरफुल यार, मजाक नहीं है भाई फ्रीजा को हराना। और वैसे अभी हम लोग डोमिनेट कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, एंड ना 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 ना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट से हराऊंगा अब तो मैं, सॉरी फ्रीजा दीदी, भाई पानी के अंदर नहीं, पानी के बाहर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ पानी के बाहर आ जाओ, रुको मेरे को भी आता है भाई, रुक जाओ भाई, एक पावर मारता हूँ, ठीक है आने दो, पानी के बाहर आने दो गाइस, ओके गाइस वी आर रेडी, एंड फाइनली हम लोगों ने हरा दिया है फ्रीजा को भी, जो कि एम्परर फ्रीजा बनने चले थे, लेकिन हम लोगों ने हरा दिया है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है फ्रीजा दीदी, दीदी बोला मैंने फिर से, मुझे नहीं पता ये लड़का या लड़की, मैं भूल गया भाई। तो गाइस हम लोगों को फिर से फ्रीजा को हराना होगा, और इस बार हम लोगों को स्प्रेड बॉम्ब से हराना होगा, कोई ना फिर से इसके बैंड बजाते हैं, देखते हैं गाइस, मैंने स्प्रेड बॉम्ब किया है, इस बार पक्का पड़ेगा, एंड हम लोग जीत जाएंगे जहाँ तक है। स्प्रेड बॉम्ब प्लीज प्लीज भाई, इतना बड़ा स्प्रेड बॉम्ब में पढ़ना चाहिए, यस भाई फाइनली हम लोगों ने 1 HP पे हरा दिया है फ्रीजा को भाई, मजा आ गया भाई, क्या ही खतरनाक बैटल था भाई, ये हुई ना बात, फाइनली फ्रीजा को हम लोगों ने डिफीट कर दिया है स्प्रेड बॉम्ब से। तो फ्रीजा को स्प्रेड बॉम्ब लगने के बाद सबको लगता है फ्रीजा मर गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, और फ्रीजा फिर से आता है, और इस बार वो पिकलो और क्रेलेन को मार देता है, और ये सब देख के गोकू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और फाइनली गोकू बन जाता है लेजेंडरी सुपर सैयन। लेकिन फ्रीजा भी पीछे हटने वाला नहीं होता, और वो प्लेनेट नेमिक को तबाह कर देता है, तभी गोकू बाकी लोगों को यहाँ से भेज देता है, और फाइनली होता है लेजेंडरी बैटल, फाइनल फॉर्म फ्रीजा वर्सेस लेजेंडरी सुपर सैयन गोकू। ओके गाइस, तो फाइनली लेजेंडरी बैटल स्टार्ट हो गया है, हम लोग डायरेक्ट करने वाले हैं सुपर कामयाबिया, मतलब फ्रीजा को भी पता चलना चाहिए कि भाई एक सुपर सैयन से फाइट हो रही है, ये है लेजेंडरी सुपर सैयन,
भाई फ्रीजा की हेल्थ बहुत ज्यादा है और फ्रीजा का भी ये मैक्स फॉर्म है, ऐसा नहीं है, फ्रीजा बहुत ज्यादा कमजोर है भाई, तो फ्रीजा को हल्के में नहीं लेने का। और अपने पास एक अटैक आया है सुपर एनर्जी वेव कॉम्बो, और देखते हैं भाई ये अटैक कैसा है। वैसे मेरे को वो चाहिए था अपना कामयामया एंड स्प्रेड बॉम्ब दे देते, बट भाई ये अटैक दिया है, ठीक है। मीटियोर स्मैश है अपने पास, यो एक मिनट मैंने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन फ्रीजा व्हाट डू थिंक, मतलब इतनी जल्दी हार जाऊंगा मैं। मीटियोर स्मैश गाइस ट्राई करते हैं, भाई ये अटैक, ये अटैक पड़ गया, ये बहुत बड़ी बात है, मेरे को तो लगा तो पड़ेगा नहीं, बट हाँ भाई पड़ गया। एंड हम लोग फ्रीजा की क्या ही बैंड बजा रहे हैं भाई, लेजेंडरी सुपर सैयन अमेजिंग है भाई। ओके नाउ आई एम एंग्री करके देखते हैं, इससे हमारा जो हेल्थ है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं एक तो डायरेक्ट खत्म कहते हैं गाइस, फ्रीजा के साथ ज़्यादा खेलना नहीं है हम लोगों को, ख़त्म कहते हैं, क्योंकि फ्रीजा मैक्स फॉर्म में, वो भी हम लोगों को हरा सकती है। वही एक और सुपर काम है हमें यार, एंड यस खत्म कर दो। नहीं यार अभी भी हेल्थ बची है, मुझे लगा ख़त्म हो गई फ्रीजा, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, थोड़ी सी हेल्थ बची है फ्रीजा की। कहते हैं मीटियोर स्मैश, देखते हैं क्या होता है। कम ऑन फ्रीजा वहाँ पर खड़ा है यार, फ्रीजा को लग रहा है कुछ नहीं भाई, मतलब यार लेजेंडरी सुपर सैयन के यार सामने कोई नहीं टिक सकता। एंड फाइनली नहीं यार अभी थोड़ी सी हेल्थ बची है, अब तो मैं भाई, नहीं 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 फ्रीजा, नहीं फ्रीजा थोड़ा दूर जाओ, फ्रीजा प्लीज प्लीज फ्रीजा दूर, थोड़ा दूर चले जाओ बहन, भाई नहीं है फ्रीजा, फ्रीजा फ्रीजा देखो, देख रहे हो थोड़ी सी हेल्थ है तो तभी तभी भाई ये लावा में गिराने की सोच रही है। फ्रीजा इज़ वेरी स्मार्ट, सोच रहा है जो भी है, मैं भूल जाता हूँ, फ्रीजा इज अ मैन। अब फ्रीजा तो थोड़ा दूर रहेंगे, हम लोगों को पावर जमा करनी है। ओ कम ऑन फ्रीजा, अरे क्या ये कैसे अटैक है भाई, हमारी हेल्थ कितनी जल्दी कम हो गई, मैंने बोला तो भाई नहीं, इसके ये अटैक कितने ज्यादा पावरफुल है भाई। रुको मैं करने वाला हूँ भाई अपना मेन अटैक, एंड खत्म करते हैं इसको, ठीक है खत्म करते हैं गाइस। अब रिस्क नहीं लेने का भाई, इस तरह बहुत जल्दी हेल्थ कम कर दी भाई, मैं फ्रीजा को थोड़ा हल्के में ले रहा था, बट फाइनली हम लोगों ने हरा दिया है फ्रीजा को। एंड भाई कितना ज्यादा मजा आया फ्रीजा से बैटल करने में भाई, अलग ही फन है भाई। फ्रीजा को हराने के बाद गोकू इस प्लेनेट से निकल ही रहा होता है, क्योंकि ये प्लेनेट तबाह होने वाला होता है, तभी पीछे से फ्रीजा अटैक कर देता है, लेकिन गोकू इसके लिए तैयार होता है और फाइनल अटैक करके गोकू फ्रीजा को हरा देता है। और इस प्लेनेट से निकलने के लिए गोकू को मिलता है एक पॉड जो कि गिनियो फोर्स का होता है, लेकिन ये पॉड प्लेनेट अर्थ नहीं जाता, ये जाता है प्लेनेट यार्ड रेट। तो गाइज ये था पूरा स्टोरी अपना फ्रीजा सागा तक। ओके गाइज तो फाइनली हम लोगों ने फ्रीजा को हरा दिया है, नेक्स्ट अपना एंड्रॉयड एंड सेल सागा कि बहुत ही ज्यादा कमाल होने वाला है, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करने वाले हैं। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही, फाइनली हमारा गोकू बन गया है लेजेंडरी सुपर सैयन, एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग सेल से फाइट करने वाले हैं, जिसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा, और उसके बाद हम लोग बू से फाइट करेंगे, एंड उसके बाद हम लोग सुपर में फाइट करेंगे पावर ऑफ टूर्नामेंट में, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल होने वाले हैं। तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड होने वाले हैं बहुत ज्यादा मजेदार, आई होप आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। ओके गाइस तो फाइनली मैंने स्प्रेड बॉम्ब कर दिया है, होपफुली ये अगर फ्रीजा पे पड़ जाता तो हम लोग जीत जाएंगे, अगर नहीं पड़ता है तो हमारी वैसे भी 1 HP है, देखते हैं क्या होता है। एंड यस यही होना था मेरे साथ।